हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो R3 से R3 पर डिफाइन है और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है ये सेटिस्फाई कर रहा है टी क्यू माइनस टी स्क्र माइनस टी प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू जीरो हमें बताना है ऑप्शंस में देखते हैं इन्वर्टेबल डाइग्नलाइजल डाइग्नलाइजल बट नॉट नेसेसरली इनवर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल और डाइग्नलाइजल को हमें यहाँ पर चेक करना है अगर यहाँ पर लिनर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पॉलिनोम फंक्शन में गिवन है तो आप इसको कॉमन लीजिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी कॉमन लिया मैंने टे स्क्वेयर माइनस टी माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी ये वाला जो आइडेंटिटी था मैं इसको राइट right साइड में ले आया हूँ अब आप यहाँ से देखिए जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका इन्वर्टिबल होता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपका इन्वर्टिबल होता है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी आपकी इनवर्टिबल हो गई है अब यहां पर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखिए जैसे f ऑफ g अगर f ऑफ g फंक्शन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं इन्वर्टिबल के लिए या कंपोजिशन बिहेवियर के लिए अगर ये इनवर्टिबल कंपोजिशन है तो यहाँ पर जो इनर फंक्शन होता है जैसे यहाँ पर g, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये 1-1 होगा और आउटसाइड वाला आपका ऑन टू होगा इस तरह से हम यहाँ पर क्योंकि ये इन्वर्टिबल है तो t जो है हमारा ऑन टू ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और ऑन टू होने के लिए अगर मैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ तो कोडोमेन की जो डायमेंशन है वो थ्री है और डोमेन की जो डायमेंशन है वो भी थ्री है हर एक रो में मुझे एक पाइवोट चाहिए हर एक रो में यानी कि ऑन टू होने के लिए हर एक रो में पाइवोट होना चाहिए तो कितने पाइवोट होने चाहिए थ्री होने चाहिए इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो रैंक है रैंक ऑफ टी यहाँ पर थ्री है अगर रैंक नलिटी थ्योरम में अप्लाई करता हूँ तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी कितनी हो जाती है जीरो नलिटी जीरो है

यहाँ से x माइनस वन और एक्स स्क् माइनस वन ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है इसको टी एनिलेट कर रहे टी इसको एनिलेट कर यानी कि इसको मैं एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कह सकता हूँ और हम जानते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा मान लो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो इस एनिलेटिंग पॉलिनोम जिसको मैंने कॉल किया पी इसको डिवाइड करेगा अगर तो मिनिमल पॉलिनोम जो है हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोम और एनिलेटिंग पोलिनोम के रूट जो होते हैं या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और मिनिमल पॉलिनोमल के जो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं यहां पर हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन क्या तो ये हो सकता है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन या हाँ हमारे पास यही दो केस बन रहे हैं अब आप यहाँ पर देखें मिनिमल पॉलिनोम डायग्नोलाइजेबल कब होगा जब उसके जो रूट्स हैं वो लीनियर हों या डिस्टिंक्ट हों यहाँ पर आप देखें मिनिमल पॉलिनोमियल में जो पावर टू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन आइगन वैल्यू जो है वो रिपीटेड है तो इस केस में नेसेसरी नहीं है कि वो डायग्नलाइजेबल हो जाए इस केस में पॉसिबिलिटी है कि वो डायग्नलाइजेबल हो जाएगा ठीक है एक रूट वन है एक माइनस वन है तो इस केस में हो सकता है लेकिन दूसरे केस में भी हमारा डायग्नलाइजेबल नहीं हो रहा है तो नॉट नेसेसरली डायग्नोलाइजेबल नॉट नेसेसरली ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट की होगा ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है और ऑप्शन डी हमारा डिस्कार्ड हो गया तो करेक्ट की है यहां पर बी